ये है 19th सेंचुरी में खोजा गया दुनिया का सबसे अमीर पर उतना ही रहस्यमयी देश, जो आज भी दुनिया के नजरों से छुपा हुआ है। जिसकी नदियों में सोना चांदी बहती है, वहाँ बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ पौधे मौजूद हैं, बड़े बड़े शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वेल एस्टैब्लिश्ड लोकतांत्रिक सरकार, आर्मी और बैंकिंग सिस्टम है, जिस देश का $1 आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन फिर भी आप इस देश में ट्रैवल नहीं कर सकते। पर क्या पूरी पृथ्वी का कोई भी इंसान इस देश में ट्रैवल नहीं कर सकता? क्योंकि ये देश हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड पास्ट में जिन जिन लोगों ने इस देश में जाने की कोशिश की है, सबका अंत काफी भयानक था। कुछ खुद ही खत्म हो गए तो कुछ खतरनाक बीमारियों का शिकार हो गए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ग्रेगोर मैकग्रेगोर द्वारा खोजे गए पोएस देश के बारे में। पर आखिर ये देश है कहाँ, और आखिर कोई क्यों इस देश तक पहुंच नहीं सकता? और सबसे अंत में सवाल ये आता है कि आखिर ये देश इतना ज्यादा अमीर क्यों? तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो साल 1820s के दौरान वेनेजुएला एंड लैटिन अमेरिका में रेवोल्यूशनरीज की ओर से स्पेनिश एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ने वाले कमांडर ग्रेगोर मैकग्रेगोर, जिन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी सेना की मदद से कई कंट्रीज को आज़ादी दिलाने में मदद की थी, लेकिन वो जानते नहीं थे कि अब उनकी किस्मत कुछ ही पलों में बदलने वाली थी। क्योंकि इस जीत के बाद जब ग्रेगोर मैकग्रेगोर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बीच मौजूद मॉस्किटो कोस्ट की पट्टी के करीब सफर कर रहे थे, तब वहां उन्हें एक मिस्टीरियस जमीनी हिस्सा दिखाई दिया जो बेहद ही खूबसूरत था और मानो मैकग्रेगोर को अपनी ओर खींच रहा था। मैकग्रेगोर ने अपनी जहाज उस तरफ मोड़ा और जब उन्होंने इस धरती पर कदम रखा तो उनकी नजर उस देश पर पड़ी। एक देश जहां बड़ी बड़ी नदियां, पहाड़, झीलें थी और नदियों में सोना चांदी पानी के साथ बह रहा था। जमीन बेहद ही उपजाऊ थी, चारों तरफ खूबसूरत जीव जंतु थे। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मैकग्रेगोर ने पृथ्वी पर मौजूद कुछ सबसे खूबसूरत देशों में से एक को खोज लिया था, जो लिटरली एक जन्नत था। इस देश के पास अपनी सेना, एक सेंट्रल बैंक था, एक फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी मेन सिटी और कैपिटल थी सेंट जोसेफ। इसके बाद यहाँ कुछ अजीब होता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन इन शॉर्ट कहूं तो यहाँ के राजा ने ना ग्रेगोर के अंदर कुछ ऐसा देखा जो किसी ने भी नहीं देखा था, जिसके चलते वहाँ के राजा ने तुरंत ही उसे इस खूबसूरत और मिस्टिकल लैंड का इकलौता राजकुमार घोषित कर दिया और उसे अपने इस पोएस देश को और बेहतर बनाने के लिए इंग्लैंड से कुछ सेटलर्स, यानी कि यहाँ रहने के लिए लोगों एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट मनी लाने को कहा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड हो ना, उसी तरह आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे और भी ज्यादा क्लोजली कनेक्ट हो सकते हो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके, जहाँ पे मैं जल्द ही लाइव सेशन शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको कई तरह के एजुकेशनल रील्स भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपको अपडेट्स भी मिलते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो जा करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अब वीडियो में वापस आते हैं। मैकग्रेगोर बहुत ही खुश था और अब वो अपने इस खूबसूरत देश के बारे में इंग्लैंड में जाकर लोगों को बताना चाहता था। अब मैकग्रेगोर जैसे इंग्लैंड में पहुंचा, उसने अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लोगों के सामने एक राजकुमार की तरह पेश करना शुरू कर दिया और अभी तक दुनिया से छुपी इस पैराडाइज किंगडम के बारे में पूरे लंदन को बताने लगा। उसने कई न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिए अपने देश की खूबसूरती और वहां के जाने के रास्ते को बताते हुए किताबें भी लिखी। इतना ही नहीं, उसने पूरे इंग्लैंड में अलग अलग शहरों में अपने शहर की एम्बेसीज बनाई और वहां पर लोगों से इस नए कंट्री में, यानी कि इस नए स्वर्ग में चलने के लिए रिक्वेस्ट की, जिसके बदले में उसे एक छोटी सी अमाउंट चाहिए थी। इस तरह उसने पूरे लंदन से कई हजार लोगों को अपने देश चलने के लिए एग्री किया, उनसे पैसा कलेक्ट किया। अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट और उनके गवर्नमेंट बैंक्स को भी अपने देश की सेवा करने वाले सोल्जर्स की बातों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने भी इस नए नए बने राजकुमार के देश को बिना देखे ही उसकी बातों में आते हुए मैकग्रेगोर के पोएस कंट्री के कई बॉन्ड्स खरीद लिए। लेकिन सभी लोग अब आने वाले खतरे से अनजान थे। मैकग्रेगोर भी कम नहीं था, उसने पूरे लंदन में अपने देश की भव्यता बताते हुए उसकी खूबसूरती को गाने के रूप में सुनाने वाले सिंगर को हायर किया और इंग्लैंड की सड़कों पर गाने के लिए पैसा देने लगा। साथ ही साथ अपने इस नए किंगडम के लिए पूरे लंदन में सेना की भर्ती भी खोल डाली, जिसमें नव युवक इस देश की आर्मी में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते थे। इस तरह हजारों लोगों ने उसके इस नए देश में सेटल होने की अर्जी देते हुए मैकग्रेगोर को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे दी। इस तरह इंडिविजुअल सेटलर्स, इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स के जरिए
मैकग्रेगर ने इंग्लैंड के लोगों से करीब $22 मिलियन इकट्ठा किया। लेकिन अब बारी थी इन्वेस्टर्स और सेटलर्स को उनके नए देश लेकर जाने की, जिनकी खूबसूरती की अभी तक इन्होंने सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। उसे अपने सपनों का देश मान लिया और अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर उस देश में रहने के लिए उन्होंने जमीन खरीद ली थी। तो फिर क्या वो अपने सपने के देश में पहुंचे? वेल, हाँ, पर इस मिस्टीरियस लैंड को देखकर उनका जो हाल हुआ वो बताने से पहले हम जानेंगे कि आखिर ये ग्रेगर मैकग्रेगर है कौन, क्योंकि इस पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर यही बंदा है। अब आगे जो भी होने वाला है ये आपने और इस मिस्टीरियस लैंड पर जमीन खरीदने वाले लोगों ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। स्वर्ग से सुंदर मिस्टिकल लैंड पोएस के प्रिंस मैकग्रेगर का जन्म क्रिसमस के दौरान सन 1786 में हुआ था। पर शॉकिंगली प्रिंस मैकग्रेगर के पिता कोई किंग नहीं थे बल्कि ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करते थे, जिनके आर्मी में कनेक्शन के चलते मैकग्रेगर को 16 साल की उम्र में ही ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर लिया गया। मैकग्रेगर के अंदर हमेशा से ही कुछ खास था जिसके चलते उसने तेजी से तरक्की हासिल की, क्योंकि आर्मी में ज्वाइनिंग के केवल एक ही साल बाद उसे लेफ्टिनेंट बना दिया गया। पर यह खासियत उसकी कोई लीडरशिप क्वालिटी या फिर आर्मी में कोई बहादुरी नहीं थी, बल्कि ये खासियत थी उसके पैसे की ताकत, क्योंकि जिस प्रमोशन को पाने में करीब 3 साल लगते थे उसने पहले साल की आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान ही रिश्वत देकर हासिल कर ली। खैर चाहे जो भी हो, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी आर्मी रैंक मिलने के चलते जून 1805 में उसकी 19 साल की उम्र में आर्मी एडमिरल की बेटी मारिया बोवाटर से शादी हो गई, जिससे उसके आर्मी में कनेक्शन और भी ज्यादा बेहतर हो गए। साथ ही साथ शादी के कुछ ही समय बाद उसे आर्मी में कैप्टन बना दिया गया, जिस पोस्ट को पाने में 7 साल लगते थे, लेकिन केवल एक शादी के चलते उसने ये पोस्ट 1 साल के अंदर पाली थी। कुल मिलाकर बताओ तो जिस रैंक पर पहुंचने में किसी साधारण सोल्जर को 10 साल लगते थे ना, उसे मैकग्रेगर के तेज दिमाग और पैसे की ताकत ने 2 साल में ही दिला दी थी। इसके बाद उसने आर्मी में और कुछ सालों तक काम भी किया और काफी नाम भी कमाया। इसके बाद मई 1810 में उसने 24 साल के कम उम्र में ही रिटायरमेंट भी ले ली। लेकिन इसी दौरान उसे युद्ध के मैदान में उतरने का एक और मौका मिला, और जब सन 1812 में लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में चल रही स्वतंत्रता की जंग में उसने जनरल फ्रांसिस्को दे मिरांडा का साथ देने का फैसला किया, जो वेनेजुएला की स्वतंत्रता के लिए स्पैनिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय भी मैकग्रेगर ने दोबारा से धोखाधड़ी करके आर्मी कोलोनल की पोस्ट हासिल की और युद्ध में खुद की बड़ी सेना के साथ स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और सन 1820 में इसी तरह लैटिन अमेरिका में चल रही युद्ध के बाद जब मैकग्रेगर अपना घर लौट रहा था, तब उसे ये सपनों का देश पोएस मिला, जिसमें एक स्वर्ग कहलाने की सारी क्वालिटी थी। लेकिन दोस्तों रुको रुको, अभी तक हमने जैसा मैकग्रेगर की पूरी जिंदगी को देखा ना, उसकी जिंदगी में कुछ भी रियल नहीं था, बल्कि हर चीज उसके द्वारा बनाई गई थी, चाहे उसकी फेक रैंक हो या पैसे और ताकत के लिए शादी हो, जो कि उसने जरूरत पड़ने पर 2 बार की थी। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा था जो मैकग्रेगर उन सेटलर्स और इन्वेस्टर्स को नहीं बता रहा था जो इस मिस्टीरियस पोयास देश में जाने वाले थे? वेल, हाँ, लंदन से पोयास के लिए निकलने से पहले कई सेटलर्स ने अपने आखिरी बचे ब्रिटिश करेंसी पाउंड को भी मैकग्रेगर से कहकर उसके पोयास पाउंड में एक्सचेंज कर लिया, ताकि वो पोयास में उसकी करेंसी से कुछ भी खरीद सके और अपना जीवन खुशहाली में जी सके। सब कुछ एकदम रेडी था। टोटल 4 ट्रिप्स प्लान की गई थी, जिसमें 100 से 500 लोग ग्रुप्स में अलग अलग शिप्स के जरिए कुछ महीनों के गैप के साथ अपने सपनों के देश ट्रैवल करने वाले थे। पहले शिप का सफर सितंबर 1822 में शुरू हुआ, जिसमें छोटी से छोटी उम्र से मिलाकर बड़ी से बड़ी उम्र के पैसेंजर्स यानी औरतें और बच्चे कई परिवार भी थे। इस शिप के लंदन से निकलने के कुछ ही महीनों बाद 200 नए पैसेंजर्स के साथ एक और जहाज कैनर्सली कैसल भी पोयास के लिए रवाना हो गई। सभी लोग खुश थे और इस यात्रा के दौरान समुद्र के नजारों का लुफ्त उठा रहे थे, पर ये नहीं जानते थे कि जिस सफर को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वो मान रहे हैं ना, वह उनके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। नवंबर 1822 फर्स्ट शिप के कैप्टन ने पैसेंजर को इन्फॉर्म किया कि हम पोयास पहुंचने ही वाले हैं। दूर से दिख रहा पोयास काफी हरा भरा दिख रहा था, पर जब शिप पोयास के तट पर पहुंचा तो वहां उस नए देश के निवासियों को रिसीव करने कोई भी मौजूद नहीं था। बस एक खाली सुनसान जगह थी जिसके सामने बड़े बड़े पेड़ और जंगल दिखाई दे रहे थे। पैसेंजर्स ने सोचा कि शायद इस देश के वासी सेना या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल उन्हें थोड़ी देर में लेने आएगा, पर उन्हें कोई भी लेने तो आया नहीं। पर अब दूसरी शिप जो पोयास के लिए निकली थी वो भी ब्रिटेन से यहाँ इस बंजारा आइलैंड के किनारे पर आकर
खड़ी हो गई। अब दोनों शिप्स पैसेंजर्स को यहाँ पर छोड़कर वापस चली गई और सभी पैसेंजर्स जिनमें औरतें और बच्चे मिलाकर कई 100 लोग शामिल थे बैठकर इस पोयास कंट्री के किसी ऑफिशियल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनके कुछ घंटों का इंतजार धीरे धीरे बढ़ने लगा और अब पूरा दिन बीत गया। रात में इन पैसेंजर्स ने टेंट्स बनाकर मॉस्किटो कोस्ट के इन्हीं जंगलों में किसी तरह रात बिताई, पर दिन के हालात भी ऐसे ही थे। अब इनका बचा हुआ खाना भी खत्म होने लगा था। कुछ लोगों ने आइलैंड के आसपास घूमकर किसी ऑफिशियल को ढूंढने की कोशिश की, पर ऑफिशियल देश, शहर या पक्का मकान तो छोड़िए, उन्हें वहां पर कोई इंसान या फिर झोपड़ी तक नहीं दिखाई दी। बस दूर दूर तक केवल जंगल फैला हुआ था। ना कोई नदी थी, ना पहाड़ थी, ना ही कोई देश था, और ना ही कोई सरकार, और ना ही कोई कैपिटल, और ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम। इन शॉर्ट कहूं तो अब इस स्वर्ग से सुंदर पोयास देश कहे जा रहे जंगल को देखकर, यहां अपना पूरा घर बार जीवन भर की कमाई मैकग्रेगोर को देकर बसने आए लोग ये समझ चुके थे कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें एक ऐसा देश बेचा गया है जो मैप पर ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मौजूद नहीं है, और उससे जुड़ी कोई भी चीज के कोई भी मायने नहीं रखती। ना ही उस देश में बॉन्ड्स के कोई मायने हैं और ना ही उस देश की करेंसी के। ये सिर्फ एक पेपर है एक ऐसे देश की इकोनॉमी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नाउ जस्ट इमेजिन कि मैकग्रेगोर ने यहाँ दुनिया का और मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा स्कैम किया था। लंदन के बैंक्स और लोगों को पूरा का पूरा एक ऐसा देश बेचकर जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसीलिए जब मॉस्किटो कोस्ट पर मौजूद पैसेंजर्स को मैकग्रेगोर के इस स्कैम का अंदाजा हुआ तो सभी अब अपनी जान बचाने की कोशिशों में लग गए। कुछ शिकार करने की कोशिश करने लगे तो कुछ मदद के लिए इधर उधर देखने लगे, पर समय के साथ साथ उनकी हालत और बदतर होती गई। ना तो उन्हें इन बेजान जंगलों में कुछ शिकार करने के लिए मिला और ना ही उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद मिली। धीरे धीरे अब उन पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी थी। लोग भूख से तड़पने लगे थे, बच्चे और औरतें बीमार होने लगे थे। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन ना होने के कारण लोग एक दूसरे से जोर जबरदस्ती छीना झपटी करने लगे, एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे, एक दूसरे की जान लेने लगे। हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ लोगों ने बचने की उम्मीद ही खो दी। कुछ ही हफ्तों में कई 100 लोगों का ये ग्रुप सिमट कर कुछ लोगों का ही हो गया। जो बचे भी वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान थे, पर किस्मत से उनका अंत ये नहीं था क्योंकि पास से गुजरने वाली ब्रिटिश आर्मी शिप मैक्सिकन ईगल मॉस्किटो आइलैंड पर मौजूद तड़पते हुए इन लोगों को देख लिया था, जिनमें अब खुद मदद मांगने तक की जान भी नहीं बची थी। इसके बाद ईगल शिप के सोल्जर्स ने वहां जाकर इन लोगों की हालत देखी तो वो भी चौंक गए। अब उन्होंने सारी सिचुएशन समझने की कोशिश की और सिचुएशन समझने के बाद लोगों को आश्वासन दिया कि वो फ्री में उन्हें इंग्लैंड तक उनके घर पहुंचाएंगे, जो कि उन्होंने किया भी। इस शिप द्वारा इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। साथ ही ब्रिटेन की रॉयल नेवी को यह आदेश दिया गया कि इस आइलैंड की ओर आने वाली कोई भी पैसेंजर शिप जो पोयास देश जाने की बात कर रही है उसे यहां आने ना दिया जाए, क्योंकि इस तरह का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये आदेश मिलते ही बाकी के 2 शिप्स जो ब्रिटेन से पोयास देश के लिए पैसेंजर्स को लेकर निकले थे ना, उन्हें भी रॉयल नेवी द्वारा बीच में ही रोक कर वापस भेज दिया गया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जब ये खबर लंदन की गवर्नमेंट तक सन 1823 में पहुंची तब तक मैकग्रेगोर फ्रांस भाग चुका था। अब कई हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस पूरे धोखाधड़ी का प्लान मैकग्रेगोर ने 1820 में ही बनाया था, क्योंकि जब उसने अपनी इंग्लैंड की वापसी यात्रा में गल्फ ऑफ होंडुरस के मॉस्किटो कोस्ट पर एक बड़ी सी खाली जमीन देखी जहां दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था, तो उसने इस जगह पर यहां के लोकल लीडर किंग जॉर्ज फ्रेडरिक ऑगस्टस से कुछ वाइन की बोतल, कुछ जेम्स देकर इस जमीन का सौदा करने की बात कही। और शॉकिंगली किंग ने भी मैकग्रेगोर के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मैकग्रेगोर को इस जगह का प्रिंस बना दिया और मैकग्रेगोर ने बाद में लंदन पहुंचकर इस बंजर जमीन के अराउंड एक ऐसी सपनों की कहानी बना दी जिसमें हजारों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कमाई और कई 100 लोगों ने अपनी जान खो दी। लेकिन मैकग्रेगोर को किसी भी जिंदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, जिसका पता हमें इस एक्सीडेंट के बाद भी चलता है, क्योंकि इंग्लैंड में अपने सबसे बड़े स्कैम को अंजाम देने के बाद आदत से मजबूर मैकग्रेगोर ने फ्रांस के पेरिस में जाकर भी अपनी इस इमेजिनरी कंट्री को दोबारा बेचना शुरू
शुरू कर दिया और इस बार उसके जाल में फ्रांस के कई अमीर लोग भी आए और इस तरह उसने फ्रांस में भी करीब 3 लाख पाउंड की धोखाधड़ी की। पर जब फ्रांस में सडनली बहुत से लोग एक ऐसी कंट्री का पासपोर्ट बनवाने की अर्जी देने लगे ना जो फ्रांस के रिकॉर्ड्स में मौजूद ही नहीं था, तो वहां के ऑफिशियल्स सतर्क हो गए और फाइनली मैकग्रेगर को पूछताछ के लिए बुलाया गया और जहां पर उसके पूरे प्लान का पर्दाफाश हुआ और उसे सजा के तौर पर जेल में डाल दिया गया। इस तरह कई सालों तक मैकग्रेगर जेल में रहा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसके अच्छे कनेक्शन और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर होने के चलते उसे लंदन गवर्नमेंट द्वारा फ्रांस से इवैक्यूएट करवा लिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि शायद मैकग्रेगर को लंदन में उसके द्वारा किए गए फ्रॉड और इस फ्रॉड के चलते लोगों की जो जिंदगी गई थी उसकी सजा दी जाएगी, पर आप गलत हो, क्योंकि लंदन में जाकर तो उसका जीवन और भी बेहतर हो गया। उस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसने अपने कनेक्शंस के बलबूते पर अपने आप को बचा लिया, यहां तक कि उसने इन फ्रॉड के द्वारा कमाई वेल्थ को भी अपने पास ही रखा और एक ऐसो आराम की जिंदगी जीते हुए 1845 में मैकग्रेगर की मौत हो गई। अब उसके अंत के बाद भी उसे उसके किए की सजा नहीं मिली, बल्कि उसे उसके आर्मी बैकग्राउंड के कारण पूरा मिलिट्री बेरियल दिया गया। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी में उसे उस क्राइम की कोई भी सजा नहीं मिली, जिसके कारण कई हजार लोगों के सपने टूटे, उससे लंदन की स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हो गई और कई परिवारों ने एक बंजर आइलैंड पर बिना किसी मदद के अपने परिवार और अपनी जान को गंवा दिया। और हालात तो ये है कि आपको मैकग्रेगर की ये कहानी, ये हिस्ट्री इतिहास के पन्नों में इंटरनेट पर इजीली मिल जाएगी। जो नहीं मिलेगी वो है इन लोगों की कहानी जिन्होंने मैकग्रेगर के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा। इस तरह के इतिहास के पन्नों को दोबारा से खोजना और इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो किसी भी नए कंट्री में जाना चाहते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे जहाज की जो कई टन सोने के साथ डूब गया था, जिसका नाम था SS सेंट्रल अमेरिका। इस जहाज के डूबने के सेंचुरीज के बाद ना हाल ही में 20वीं शताब्दी में एक इंसान था जो समुद्र में इसके खोज पर निकला था और उसे ये खजाना मिल भी जाता है, लेकिन इस खजाने के साथ जुड़ी थी एक श्राप, जो श्राप उसके साथ जुड़ जाती है और वो आज भी जिंदा है लेकिन उस श्राप को भुगत रहा है। अब आखिर वो खजाना क्या था और वो श्राप क्या थी, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।